नमस्कार, मैं हूं पंकज दुबे और आज हम मौजूद हैं सिंगरौली जिले के देवसर जनपद के अंतर्गत ये ग्राम पंचायत आपका जोबा है और जोबा में इस वक्त मौजूद है। यहां पर एक पुल बनाया जा रहा है और पुल में वर्तमान में काम चालू था, ये शायद कल से बंद हुआ है। ये तस्वीरें सामने है, पुल बंद कैसे रहा है पहले हम वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे और ये पूरी कहानी आपको दिखाएंगे कि इसमें कितना सरिया लोहा डाला गया और क्या इसमें मटेरियल डाला गया है। और यहाँ पर ग्राम सभा में जितने भी लोग थे वो लोग भी यहाँ पर मौजूद है। आखिर ऐसी क्या वजह हो गई और क्या कमियां दिखी कि यहाँ पर इतने लोग एकत्रित हो गए, पहले हम बात करेंगे जो यहाँ पर लोग हैं उनसे भी। तो नेताजी क्या कहना चाहेंगे, ये क्या विषय है यहाँ पर, ये क्या बन रहा है? ये तो देखने में पुलिया बन रहा है लेकिन ये गुणवत्ता विहीन है। ये तो ना रेता का उपयोग किया गया है, ना सही ढंग से इसका लोहा छड़ का उपयोग किया गया है, ना मटेरियल का सही ढंग से उपयोग किया गया है। एस्टिमेट मतलब इसका कहना कुल है कि पुलिया ही खराब बन रहा है। तो समझ सकते हैं यहाँ पर ये इंजीनियरों का कमाल है। देवसर जनपद के जितने भी इंजीनियर हैं आए दिन हम दिखाते हैं ऐसे माल, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कितना सरिया कैसे लगाया गया। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर ये सरिया लगाया गया है और ये मटेरियल की कहानी आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये मटेरियल, इसमें डस्ट डाला गया और सीमेंट डाल दिया गया, गिट्टी डालकर, और इसको पूरा तैयार करने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन ग्रामीणों को जैसे ही भनक लगी वो लोग इस काम को रोक दिए हैं और वर्तमान में यहाँ पर मौजूद भी हैं। नेताजी आप क्या कहना चाहेंगे, ये क्या बन रहा है? हाँ, हमारा कहना ये है श्रीमान की जो ये कोहरान मोहल्ला में पुल बन रहा है, ये पूरा आखिर में धूल झोंका जा रहा है। न तो सरिया अच्छा डाला जा रहा है, न तो सीमेंट डाला जा रहा है। 15 तगाड़ी ये डस्ट राखा डाला जा रहा है, 15 गिट्टी डाला जा रहा है, 15 बालू, और वहाँ पर एक बोरी सीमेंट डाला जा रहा है और उस पर पूरा पूरा ये कमियां दिख रहा है कि जो सही काम नहीं है। और दूसरी बात ये भी है, नाली की कार कराए गए हैं उसमें भी एक एक मीटर पर लोहा लगवाए गए हैं और अभी वर्तमान में बनवाए हैं और भसक भी गए हैं। आज ग्राम सभा में कम से कम 150 जनता को उपस्थिति है और वहाँ शिकायत है, बहुत बड़ी काफी दबाव है। हम पूर्व सरपंच माने जाए थे, वर्तमान वार्ड पंच है, छठवें वार्ड का हमारी वार्ड में ये पुलिया की निर्माण हो रही है जो कि नहीं समझा नहीं जा रहा है। दूसरी बात यह है कि 24 तारीख का ग्राम सभा ली गई है तो पुलिया का लगे ली गई है, कोई ना वार्ड पंच थे, ना कोई गांव वालों को सूचना दी गई थी, ना पंचायत कमेटी को कौनो ऐसा बतावा जाए अपने मनमाने तौर का। कम से कम सबसे बड़ी बात, जब कोई भी शासकीय कार्य, सबसे बड़ी बात कोई सब शासकीय काम होता है वहां पर इंजीनियर की मौजूदगी होती है, इंजीनियर की देखरेख में काम चलता है। हाँ। इंजीनियर कौन है आपके यहाँ इस पंचायत में? अनिल जायसवाल जी है, रजनीश जायसवाल जी है। रजनीश जायसवाल जी यहाँ पर कभी आए थे इस पुल का जब से काम चालू हुआ और काम अब लास्ट चल रहा है और इस तरीके का लीपा पोती किया गया, क्या इस जगह पर पहुंचे हैं कभी? नहीं पहुंचे हैं, नहीं आए हैं। इंजीनियर साहब अभी तक नहीं आए हैं, सेक्रेटरी के या सरपंच के माध्यम में कुल पूरा काम चल रहा है और ना इसमें कोई किसी को पंचों को या कमेटी को पूछा जा रहा है, न कभी बैठक बुलाया जाता है, न कभी ग्राम सभा फर्जी हुआ है अभी 24 तारीख को, उसी पर नाराज जनता हो गया है, हम लोग खुद नाराज हो गए हैं। और इस पार्ट में इतना धोखाधड़ी की काम हो रहा है कि जिनमें बिल्कुल अब जांच होगा तो सिद्ध हो जाएगा कि फर्जी हो रहा है कि सही हो रहा है, यही हमारी कहना है। चलिए आगे हम मटेरियल की तस्वीर दिखाते हैं, जो मटेरियल डाला गया इसमें। और भी पूर्व सरपंच आप भी हैं यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे, आपके ग्राम पंचायत में इस तरीके का भ्रष्टाचार आपके सामने है? मैं मीडिया भाई पत्रकारों के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि ग्राम पंचायत क्षेत्र जोबा की जो निर्माण कार्य हो रहे हैं इतना घटिया, इतना जर्जर मैं कभी भविष्य नहीं देखा। मैं भी सरपंच था, 10 साल से पति पत्नी दोनों रह चुके, लेकिन आज तक मेरे को कोई ऐसा अंजाम नहीं लगाया यहाँ की, ऐसा निर्माण कार्य चल रहा है, सब खुशी खुशी मैं 10 साल चलाया। लेकिन यहाँ आज वर्तमान में जो पुलिया के मौजूद में खड़े हैं पब्लिक के सही साथ में, यहाँ क्वालिटी युक्त पुलिया नहीं बन रहा, इसमें डस्ट के माध्यम से पुलिया बन रहा है, जो कि यहाँ रेता इतना क्वालिटी युक्त यहाँ उपलब्ध है, नदी नाला बहे हैं, नदी बहे है, यहाँ ठेका भी चल रहा है, उपलब्ध है रेता, लेकिन मिट्टी लाल कलर की रेता और डस्ट के माध्यम से, और ये 8 की सरिया 3-3 फीट में 4-4 फीट में लगाकर ये जाली का उपयोग कर रहे हैं, ऐसे में निर्माण कार्य कराया जा रहा है, ये भ्रष्टाचार है कि नहीं है? और ये मीडिया कई प्रकरण ऐसे था जो कि जोबा का ही कुछ बिल्डिंगों की कार निर्माण में
गांव वाले आरोप लगाए गए लेकिन सुनवाई कहीं नहीं हुआ, ये कैसा भ्रष्टाचार? ये अभी अभी एक बीते दिन बता दे, यहाँ पर कोई इंजीनियर के द्वारा ही यहाँ पर कार्य कराया जाता है भवन का, उसमें भी इससे भी बड़ा भ्रष्टाचार देखा गया था लेकिन उस पर भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। ये मीडिया के माध्यम से वो अवगत कराया गया लेकिन वो इंजीनियर और कौन ऐसा आला अधिकारी है कि उनको बड़ा मजबूत बना के और यहाँ भ्रष्टाचार करवाया जा रहा है। हम ग्रामवासी ये ठान लेते आंदोलन बहुत बड़ा होगा, न तो लोकसभा न तो विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा, हम दिखा देंगे लोग ग्राम सभा की ताकत, ऐसा निर्माण नहीं करने देंगे चाहे कोई भी अधिकारी सीओ हो चाहे जिला सीओ हो चाहे कोई भी अधिकारी हो, हम नहीं चलने देंगे तो नहीं चलने देंगे, हमारा वादा है। हम हमारी गांव की पुलिया निर्माण है, भविष्य में सब इसमें हमारा विकास होगा तो यहाँ विनाश हो रहा है। ये हमारा मुखिया जो है पाकिस्तानी है साला, आके यहाँ साला पाकिस्तानी जैसे कि हम कमा के चले जाएंगे, ये तो कमाई के जरिया बना लिए हैं निर्माण कारों में, यहाँ मजदूरों के माध्यम को। जांच जब तक नहीं होगा तब तक हमने काम करने का हम निर्णय नहीं देंगे। ग्राम सभा से निर्णय ले रहे हैं, आज 500 जनता के बीच की भाषा है। आप निर्माण कार्य जहाँ चल रहा है, मैं वर्तमान पंच बोल रहा हूँ, हम अपनी मौलिक अधिकार जानते हैं कि हमको क्या करना है, विकास करना है कि विनाश करना है, हम ऐसे स्थिति को नहीं चलने देंगे। जो काम करने वाले मजदूर है उनका पैसा नहीं जा रहा है, जो घर से नहीं निकले उनके खाते में पैसे जा रहे हैं, जिनकी वाउचर हमने निकाल करके रखा है 10 लाख रुपए का हरण किए हैं, काम मौके से 2 लाख तक का नहीं है, जो हुआ है 2 लाख में उसमें मेहनत का घोरा मीठा किए है कि जैसे वो काम उपयोग में हरण के सहयोग नहीं है। चलिए यहाँ पर और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और साथ साथ यहाँ पर पुल की कहानी भी दिखाएंगे। लगातार जिस पुल की बात हो रही है, ये सरिया डाला गया है, इसमें 8 और 6 mm का सरिया यहाँ पर डाला गया है, दूरी इनकी देख सकते हैं आप 3 से 4 फीट की दूरी में यहाँ पर छड़ लगाए गए हैं और नीचे तो लगता है कुछ डाला ही नहीं गया जिस हिसाब से नजर आ रहा है, क्योंकि ऊपर से जैसा कि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है। भैया आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर जो यहाँ पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है? जी जी, जो पंचायत क्षेत्र में उप सरपंच जगदीश यादव। अच्छा, आप उप सरपंच हैं यहाँ के, आपके ही कार्यकाल में ये पुल का निर्माण कार्य चल रहा है, कौन बनवा रहा है ऐसा काम? अब सचिव सेक्रेटरी बनवा रहे हैं। सचिव सेक्रेटरी बनवा रहे हैं, क्या पंचायत में आपको कोई दायित्व नहीं है? आप उप सरपंच का दायित्व पर खोज ही नहीं कराता, हम सब मनमाना तौर बना रहे हैं, पूरा मनमाना काम चल रहा है, मनमाना काम चल रहा है। हाँ जी, इसमें मटेरियल क्या डाला गया अभी तक? मटेरियल इसमें क्या, ये डस्ट डाला था तो देख सकते हैं दर्शकों यहाँ पर ये डस्ट है, इसमें जो डाला गया उसकी बात करेंगे हम, ये पूरा डस्ट डाला गया इसमें और उस साइड में गिट्टी रखा गया है। यहाँ पर जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं इनके द्वारा कहना है कि यहाँ पर थोड़ा सा रेता 2 ट्राली मंगाया गया था लेकिन वो रखा रह गया, उसका उपयोग नहीं किया गया और डस्ट यहाँ से खत्म कर लिया गया। आखिर डस्ट कहाँ डाला गया? अगर ये तो प्रत्यक्ष है, सामने है, यहाँ से डस्ट खत्म हो गया और ये पूरा रखा रह गया, ये पूरी कहानी आपके सामने ही है, क्या कहना चाहेंगे सर? ये हम नहीं चलने देंगे काम, ऐसा घटिया काम है, जर्जर काम नहीं चलने देंगे। ये जो हमारे ग्राम पंचायत को हम मुखिया मानते हैं कि अच्छे हमारे यहाँ के संरक्षक रक्षक हैं, अच्छा विकास करेंगे, इसके सहयोग के लिए पब्लिक एक मुखिया बनाया है, इस पर ये तो पूरे पब्लिक की विनाश कर रहे हैं, विकास के विनाश कर रहे हैं। ये कौन मुखिया की पद होता है, कैसा मुखिया की नियत होते हैं? ऐसे नियत करने वाले व्यक्तियों का निर्माण कार्य चाहे कोई भी हो, हम नहीं चलने देंगे। जब तक इसकी जांच प्रक्रिया नहीं आएंगे, जब तक काम करने का बिल्कुल कोई ही अनुमति ग्राम सभा नहीं देगी। मैं वार्ड पंच चंद्रमण सिंह बोल रहा हूँ। तो समझ सकते हैं दर्शकों, ये सिंगरौली जिले के, पुनः से एक बार बता दूं, सिंगरौली जिले के देवसर जनपद ये लगता है और ये ग्राम पंचायत जोबा है, ये सामने ही है, क्या कहानी है आपने देख ही लिया। और पूरे ग्राम के लोग भी, पूर्व सरपंच, पंच, पूरे लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, वर्तमान के उप सरपंच भी मौजूद हैं, इन सबके द्वारा जो बताया जा रहा है कहानी आपने सुन ही लिया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, कैमरामैन सतन अग्निहोत्री के साथ पंकज दुबे, धन्यवाद।